सरकार ने खुद ही अभी एक डेटा दिया कि 20 लाख यूथ आर इन्वॉल्व इन ड्रग्स, ये कौन सी शांति है बताइए। 10 लाख के करीब नौजवान इसमें डिप्रेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट पे, ये कौन सी शांति है? दिस इज नॉट शांति। इसको अगर ये शांति कहेंगे तो वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। हमें क्या जेल भरवाना अभी? ये इतनी इंटॉलरेंट सिस्टम हो गया यहाँ पे कि हमें जेल डाल देंगे। मैं कह रहा हूँ शुक्र सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा आज सारे पिटिशनर्स को भी जेल डाल दो, इतना तो नहीं कहा, फैसला ही दिया हमारे खिलाफ बट ये नहीं कहा। लेकिन डर है सरकार का युवाओं में, जनता में? ऑब्वियसली है, 100% डर है। डर और खत्म कीजिए। देखिए अब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, व्हाट यू हैव डन ऑन 5th ऑफ अगस्त 2019, मोहर लगा दी। लेकिन अब ये डर और खौफ की जो सियासत है ना जम्मू कश्मीर, ये खत्म होनी चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अब भी हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही खड़े हैं। और आज 370 आर्टिकल 370 पर फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 जो हटा दिया गया है उस पर अब बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है, सरकार के हित में ये फैसला आया। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आदिल नज़ीर खान, ये भी जम्मू कश्मीर से ही। क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, कितने सहमत कितने नाराज़ हैं? देखिए ऑब्वियसली हमें नाराज़गी तो होनी चाहिए क्योंकि हमसे ही कुछ छीना गया है, हमारे जो राइट्स हैं, हमारे जो बेसिक हुकूक हैं उनको ख़त्म कर दिया गया, हमारी जो खुसूसी दर्जा जो हमारा था, स्पेशल स्टेटस जो हमारा था उसको ख़त्म कर दिया गया आज वन गो में। अपहेल्ड कर दिया गवर्नमेंट का जो डिसीजन 5 अगस्त 2019 का था उसको गवर्नमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड कर दिया, तो हमारे लिए निराशाजनक बात है, हमारे लिए बिल्कुल दुख की बात है। मुझे लगता है हमारे लिए नहीं बल्कि हर एक उस हिंदुस्तानी के लिए दुख की बात है जो कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को मानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस दी गई वो संविधान के हित में तो मुझे नहीं लगता है। बाकी बाद में जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम, हमारे लिए बहुत निराशाजनक बात है। बट उम्मीद करता हूँ मैं कि आने वाले वक्त में जो, अगर आज हमारी लीगल बैटल का जो पहला पड़ाव था अगर वो आज हम हार गए तो लीगल बैटल के और भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, और उसके अलावा पॉलिटिकल बैटल इज़ ऑलवेज दियर, पॉलिटिकल बैटल लड़ेंगे, और जो कुछ भी हमसे छीना गया है, जो कुछ भी हुकूक हमारे हैं या जो खसूसी दर्जा है, ये जो हमारे राइट्स हैं, स्पेशल राइट्स जो थे उनको वापस लाने के लिए हम पूरी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ेंगे, पीसफुल तरीके से लड़ेंगे, अंडर द बैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द बैनर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया, उसके अंदर हम कंटिन्यू अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। आपने कहा ये संवैधानिक हार है, संवैधानिक हार क्यों है ये? देखिए हम नहीं कहते हैं कि आप, मैं पर्टिकुलरली बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं बात कहूँगा तो मैं मानता हूँ पार्ट 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जिसमें टेम्परेरी प्रोविजन एक टाइटल दिया गया था, लेकिन उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं तो उन आर्टिकल्स में प्रोसीजर एक दिया गया, आप इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसको कैसे हटा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कहा गया कि देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी प्रोसीजर, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी रिकमेंडेशन, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनीथिंग, तो दैट्स शॉकिंग। That means 371 A से लेके F तक all those special states जो बाकी states के हैं, मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जिस जिसके पास भी स्पेशल स्टेटस है उनका वो स्पेशल स्टेटस एक चुटकी में जा सकता है अगर सरकार चाहे, यूनियन गवर्नमेंट चाहे। देयर इज़ नो सिक्योरिटी एट ऑल, आपका कुछ चलेगा ही नहीं, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है देयर इज़ नो नीड ऑफ रिकमेंडेशन। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेट असेंबली नहीं हो सकती, दैट्स इनवैलिड, बट सेम टाइम पे वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट को जो प्रोक्लेमेशन देनी होती है, डिक्लेरेशन देनी है, उसमें उनको किसी चीज़ की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना संविधान की हार है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कल को किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी, लाइक आज बीजेपी पावर में, मान लो कल कांग्रेस पावर में आ गई सेंटर में, और अब आज यूपी में बीजेपी की योगी सरकार है, उस टाइम भी मान लो योगी की सरकार होगी, तो अगर सेंटर की यूपी कांग्रेस सरकार उस टाइम पे चाहेगी कि वो यूपी के 10 टुकड़े करके उनको यूनियन टेरिटरी बनाए तो वो बना सकता है। ये लीगल वैलिड आज इन्होंने प्रेसिडेंट एक बना दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने सिंपली कहा कि गवर्नमेंट इज सुपर पावरफुल, सुप्रीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यानी कि यूनियन गवर्नमेंट है वो सुप्रीम है, पावरफुल है, उनके ऊपर कोई नहीं है, दे कैन डू व्हाट एवर दे वांट टू डू, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेड, दिस इज नॉट रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को नहीं बचाएगा। देखिए हमें, वी मस्ट ऑल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वी मस्ट ऑल एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिकॉज इट इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, बट at the same time we must give our opinion and a partial opinion and a fair opinion, and that opinion is simply ki whatever has happened today in the supreme court fear of india, kis baat ka fear ka zikr kar rahe hain, fear kis baat ka, dekhiye hai na
नॉर्मली आज कैसा माहौल बनाया गया देश में, ये मेजोरिटेरियनिज्म के हक में ये फैसला गया, ये मूड ऑफ नेशन के हक में ये फैसला गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हक में नहीं गया, ये संविधान के हक में नहीं गया, ये लोकतंत्र के हक में नहीं गया, ये रूल ऑफ लॉ के हक में नहीं गया फैसला, ये फैसला मेजोरिटेरियनिज्म के हक में गया, ये फैसला मूड ऑफ नेशन के हक में गया, ये तो बात है ना, ये डर के हक में गया जो डर था। दूसरा पहलू ये है देखने का कि सभी राज्य बराबर होंगे, एक जम्मू कश्मीर जो अलग था वो इक्वली आ गया सारे राज्यों में, कहीं नहीं था अलग से, कहीं नहीं था। अगर इस हिसाब से चलेंगे तो अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्योर फेडरल स्ट्रक्चर, प्योर फेडरलिज्म, ओनली प्योर दिस द फ्यूचर ऑफ दिस फेडरल फेडरलिज्म इन इंडिया वाज जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर की एग्जांपल फेडरलिज्म की दी जाती थी वही एक प्योर फेडरल फ्यूचर इसका था, एसिमेट्रिक फेडरल फ्यूचर्स इनको कहते हैं, ठीक है, वही। अमेरिका में तो हर स्टेट के पास अपनी सिटीजनशिप है, हर स्टेट के नागरिक उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप, हमारे पास वही था, तो क्या अमेरिका में आप कहेंगे कि वो स्टेट ही नहीं है, वो दुनिया का पावरफुल मुल्क है, अच्छे से कामयाब है वो, हर स्टेट को हक होना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ ओनली जम्मू कश्मीर, हर स्टेट को राइट्स होने चाहिए, यूनियन गवर्नमेंट को कभी भी हक नहीं होना चाहिए यूनिलेटरली उस स्टेट को ख़त्म करने का, उस स्टेट की शिनाख्त को ख़त्म करने का, उस स्टेट के कल्चर को ख़त्म करने का, उस स्टेट की जॉब्स को ख़त्म करने का, उस स्टेट की लैंड को ख़त्म करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। यू कैन मेक डिसीजन ऑन वट इज़ मैंशन इन द यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, यू कैन मेक, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट्स में, स्टेट लिस्ट में जो लॉज हैं जिसपे लॉ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आनी चाहिए, ये बैड प्रेसिडेंट है फेडरलिज्म को अगर हम देखेंगे तो, इससे फेडरलिज्म तार तार हो जाता है, और फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट्स हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन थाउजेंड्स ऑफ जजमेंट्स दैट यू कैन टच, यूनियन गवर्नमेंट को बोलते हैं पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग बट दैट इट कैन नॉट टच बेसिक स्ट्रक्चर एंड फेडरलिज्म ऑल्सो बिलोंग्स टू दी बेसिक स्ट्रक्चर। अमित शाह गृह मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले कि आफ्टर ये 370 हटाने के बाद कश्मीर में शांति है, वहाँ के लोग खुशहाल हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है कोई खुशहाल है, शांति तो जरूर है, कौन सी शांति है कि आपने सबको दबा के रखा है, शांति वही है। सरकार ने खुद ही अभी एक डेटा दिया कि 20 लाख यूथ आर इन्वॉल्व इन ड्रग्स, ये कौन सी शांति है बताइए, 10 लाख के करीब नौजवान इसमें डिप्रेशन में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट पे, ये कौन सी शांति है, दिस इज नॉट शांति, इसको अगर ये शांति कहेंगे तो वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। तो पूरा कश्मीर आज दुखी होगा इस फैसले से, ऑब्वियसली होना चाहिए, पूरा कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की तमाम आवाम को दुखी होना चाहिए, उन सब लोगों को दुखी होना चाहिए जो लोकतंत्र को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, ये कौन सा प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन दिस कंट्री नॉट। आप सीधा सीधा सीजीआई पे सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर और उसके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, हम ओपिनियन अपनी बता रहे हैं, हम क्या सवाल उठाएंगे, हमें क्या जेल भरवाना, अब ये इतनी इंटॉलरेंट सिस्टम हो गया यहाँ पे कि हमें जेल डाल देंगे, मैं कह रहा हूँ शुक्र सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा आज सारे पिटिशनर्स को भी जेल डाल दो, इतना तो नहीं कहा, फैसला ही दिया हमारे खिलाफ बट ये नहीं कहा, लेकिन डर है सरकार का युवाओं में, जनता में, ऑब्वियसली है 100% डर है, डर और खत्म कीजिए। देखिए अब आपको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, व्हाट यू हैव डन ऑन 5th of August 2019 मोहर लगा दी, लेकिन अब ये डर और खौफ की जो सियासत है ना जम्मू कश्मीर, ये खत्म होनी चाहिए, डर खत्म होना चाहिए, हर एक नौजवान को मौका मिलना चाहिए जो वो करना चाहता है, ठीक है, आप वहाँ पे हर चीज़ पे, आज आप सोशल मीडिया पे इतनी कदगन लगा रहे हैं कोई बोल ही नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन मी द मेनी राइट्स, तो मुझे एंजॉय करने दो ना, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम्स, इक्वालिटी, वो कहाँ है फिर, वो तो मुझे नहीं देते हैं, आप मुझे हर जगह पे डराते हैं, बोलने से भी डर है और क्या, ऑब्वियसली। तो जाहिर तौर पर आपने एक जम्मू कश्मीर के युवा की आवाज़ सुनी, और ये आज जो फैसला आया है 370 पर, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर नाराज़गी सुनी आपने, केंद्र सरकार में सत्ता में जो बैठे सरकार है उसका जो डर फैलाया हुआ है वो सुना आपने, पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।